हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 3 सर्कल चैप्टर 10 क्लास 10th का, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मतलब पेपर में बहुत आता है। इसमें बोला है पी क्यू इज़ द कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। पी क्यू एक कॉर्ड है जिसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी। जो ये जो टेंजेंट बन रहा है एट पी और क्यू पे, वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को पॉइंट टी पे। और फाइंड द लेंथ टी पी, आपको टी पी फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो इसे कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। हमें इसमें गिवन है टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स, ठीक है, टू द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और यहाँ पे दूसरा आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर भी गिवन है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव के अंदर हमें टी पी लेंथ फाइंड करनी है, टी पी फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम ना कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, ये हमें दिया नहीं है, हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन पॉइंट ओ टू क्यू या सेंटर टू क्यू, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब देखो प्रूफ हम किस तरीके से करेंगे। हमें ना यहाँ पे पी क्यू को और टी ओ को आपस में परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, और दूसरा ये भी प्रूफ करना है कि जो टी क्यू टी ओ है वो पी क्यू को बाइसेक करेगा, मतलब ये बराबर इसके होगा, ठीक है। अब वो सब प्रूफ कैसे होगा, सबसे पहले देखो एंगल ट्राइंगल पी टी ओ और क्यू टी ओ में इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे। कैसे, ये इक्वल टू इसके बराबर है, एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है, ये बराबर इसके है कॉमन, और ये बराबर है इसके क्योंकि रेडियस है। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, जिससे ये एंगल बराबर आ जाएगा इसके, ठीक है। तो देखो लिखते हैं, पहले इधर लिख लेते हैं, देखो प्रूफ को, एन ट्राइंगल पी टी ओ एंड ट्राइंगल क्यू टी ओ में टी पी बराबर टी क्यू, क्योंकि लेंथ ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है जी। दूसरा टी ओ बराबर टी ओ, ये हमारे पास हो गया कॉमन, ठीक है। तीसरा ओ पी बराबर ओ क्यू, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है। अब ट्राइंगल पी टी ओ हो गया कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू टी ओ के बाई साइड क्राइटेरिया, ठीक है जी। अब बाई सी पी सी डी में इसको एंगल वन लेट कर लेता हूँ, इसको एंगल टू, तो एंगल वन इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल टू बाई सी पी सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। एंगल वन बराबर टू हो गया। अब देखो अब हम लोग ना प्रूफ कर, अब हम लोग इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं पी आर टी एंड क्यू आर टी को, इसमें देखोगे ये बराबर इसके है, वही पेयर ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है, ये बराबर इसके कॉमन, और ये बराबर इसके हमें भी हमने प्रूफ किया है। तो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे, जिससे ये साइड बराबर इसके आ जाएगा और ये एंगल भी बराबर इसके आ जाएगा। देखो इन ट्राइंगल पी टी आर एंड ट्राइंगल क्यू टी आर में भाई टी पी बराबर है टी क्यू के, ठीक है। दोबारा भी लिख सकते हो आप, वैसे एक बार लिख दिया तो ठीक है। और टी आर बराबर टी आर इसको लिख सकते हो कॉमन, और एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये हमने प्रूफ किया है ऊपर अभी,
प्रूव अबव, प्रूव यहाँ पे किया, ठीक है। तो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल पी टी आर, ट्राइंगल पी टी आर कॉन्ग्रुएंट हो गया टू ट्राइंगल क्यू टी आर के, क्यू टी आर के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। इसीलिए आपके पास अगर ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो पी आर बराबर आर क्यू होगा, पी आर बराबर आर क्यू होगा बाई सी पी सी टी, है ना। तो पी आर बराबर आर क्यू होगा, तो ये पूरा एट है, तो ये फोर और फोर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका एट अपॉन में टू इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर। और दूसरा एंगल, ये एंगल बराबर हो जाएगा इसके, तो दोनों एंगल कितने हो जाएंगे 90 डिग्री, ठीक है ना। एंगल आपका एंगल टी आर पी बराबर हो जाएगा एंगल टी आर क्यू, एंगल टी आर पी बराबर टी आर क्यू इज इक्वल टू 180 अपॉन में टू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों चीज़ें कहाँ से आई है, बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो यहाँ आपका ये प्रूफ हो गया कि एक दूसरे को बाइसेक कर रहा है और ये परपेंडिकुलर भी हो रहा है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अब इसके बाद देखो, अब हमें क्या करना है, इसके बाद हम एक काम करेंगे, टी पी को एक्स लेट कर लेंगे और टी आर को, टी आर को वाई लेट कर लेंगे, ठीक है। देखो इसके बाद हमने लेट कर लिया टी पी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर एंड टी आर इज इक्वल टू वाई सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीन ट्राइंगल बन रहे, एक तो ट्राइंगल है छोटे वाला, पहला ट्राइंगल ये पी आर ओ, फिर पी आर टी और एक ट्राइंगल टी पी क्यू, तीनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं, इन राइट ट्राइंगल पी आर ओ में, पी आर ओ में आपका एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री है, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 है। तो पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, तो आएगा पी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर ओ का स्क्वायर, पी ओ मतलब 5 का स्क्वायर है, पी आर मतलब 4 का स्क्वायर, पी आर 4 है ना, प्लस का आर ओ का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 16 प्लस आर ओ का स्क्वायर। इसको माइनस में लाएंगे तो 25 माइनस का 16 इज इक्वल टू आर ओ का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 का रूट इज इक्वल टू आर ओ, तो आर ओ आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आर ओ की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3, ठीक है। अब हम इस वाले ट्राइंगल में लगाते हैं पाइथागोरस पी आर टी में, तो एन ट्राइंगल, एन ट्राइंगल पी आर टी, पी आर टी में, भाई पी आर टी में जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पी आर का स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर पी टी का स्क्वायर। पी यहाँ लिख देता हूँ, पहले एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और देखो यहाँ पे पी आर का स्क्वायर, देखो पी आर का स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर। तो पी आर का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर, आर टी का मतलब हो गया वाई का स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा ट्राइंगल बचा हमारा बड़े वाला ओ पी टी, भाई ये भी 90 डिग्री होता है ना, रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। तो एन ट्राइंगल ओ पी टी, एंगल ओ पी टी इज 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है जी, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो आएगा ओ टी, टी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर, तो टी ओ का मतलब हो गया वाई प्लस 3 का स्क्वायर, पी टी का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर, पी ओ का मतलब 5 का स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस का 2a और b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो आ गया वाई स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6y
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 25। अब बाई फर्स्ट एक्स स्क्वायर की जगह पे हम एक्स स्क्वायर की जगह पे 16 प्लस वाई स्क्वायर लिख देंगे, तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर प्लस का 9 प्लस 6y, यहाँ पे आ गया 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 25। ठीक है जी, अब वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, 6y इज इक्वल टू 25 माइनस का 25 माइनस का 9 हो गया आपके पास 16, 16 और 16 हो गया 32, तो 32 अपॉन में 6 आ गया y, तो y इज इक्वल टू हो गया आपका 16/3 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है, मगर हमसे क्या पूछा गया x, तो इसको इन इक्वेशन फर्स्ट पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आएगा 16 प्लस x की y की जगह पे 16/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 256 अपॉन में 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एलसीएम लूंगा तो आएगा 144 प्लस 256 अपॉन में 9, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया 400 अपॉन में 9, एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू आ गया रूट में 400 अपॉन में 9, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया 20/3 सेंटीमीटर, और एक्स हमारे पास क्या था टीपी, है ना, तो हमारा आंसर आ गया है हैंस टीपी इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर है।